वेदर पंचायत के सहायक सचिव पर लगाए ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और गबन के आरोप। जांच अधिकारियों ने अमितता पाई जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेदर में विकास निर्माण के लिए प्राप्त राशि का सहायक सचिव मनीष पटेल ने सरकारी खजाने में कुंडली मारकर बैठना और धीरे धीरे विकास कार्यों की धज्जियां उड़ाना, शेष राशि को मिल बांटकर हजम करना जैसा कार्य यदि सीखना है तो जनपद पंचायत बनखेड़ी के ग्राम पंचायत बेदर में इसका अच्छा उदाहरण है। ग्रामवासियों से बातचीत के दौरान पता लगा वेदर के सहायक सचिव मनीष कुमार के ऊपर ग्रामीणों ने अनेकों अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत में सचिव गया प्रसाद पटेल, सरपंच हेमराज ठाकुर ने ग्राम पंचायत वेदर में भारी भ्रष्टाचार किया। सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मनीष कुमार के द्वारा शासन की योजनाओं के साथ ही विकास कार्यों के लिए आने वाली राशियों में जमकर भ्रष्टाचार किया। शिकायत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई तो दूर जांच तक करना उचित नहीं समझा, मजबूरन ग्रामवासियों को सीएम हेल्पलाइन की मदद लेनी पड़ी। जांच टीम पहुंची, दो देखने को मिला, एक तरफ ग्रामवासी जांच और न्याय की गुहार लगाते हुए अधिकारियों से निवेदन करते मिले। जांच टीम ने मौकाए वारदात पर सभी चीजों पर लीपापोती कर दी। ग्राम विकास कार्य के नाम पर तालाब निर्माण में अनियमितता हो या फिर सहायक सचिव के द्वारा हितग्राही को बिना जानकारी के खोला गया खाता, जॉब कार्ड पर मनरेगा और अन्य योजनाओं के पैसे को हजम करना, मनरेगा के नाम पर जेसीबी के द्वारा कार्य कराना, रोड निर्माण में बोर्ड लगाना या फिर बोर्ड ना लगाना, इस तरह के अनेक आरोप ग्रामवासियों ने लगाए। दूसरी ओर ये कहे कि इतनी आरोपों के बाद भी अधिकारियों ने जांच के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। देखना होगा वेदर में आए जांच टीम में बीपीओ प्रकाश नारायण साहू, एईएचपी बिलथरे और एसई सुरेश बिहारी की टीम क्या चल रहे भ्रष्टाचारी की पोल खोल पाएगी या नहीं, ग्रामवासियों की शिकायत पर क्या उचित कार्रवाई हो पाएगी, भोले भाले ग्रामवासियों को न्याय मिलेगा या नहीं। के व्यक्ति के द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ को एक शिकायत दर्ज की गई। उस शिकायत के संदर्भ में उनके द्वारा आदेशित किया गया जनपद पंचायत कंट्रेंट को, उनके द्वारा हम टीम गठित कर जिन जिन मुद्दों को संबंधित शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाया गया था उन मुद्दों की जाँच के लिए टीम गठित की गई। वास्तविक स्थिति क्या है, संबंधित व्यक्तियों द्वारा मनरेगा में काम किया या नहीं किया या गबन किया या वोट अलग किया, उसके लिए जांच समिति गठित की गई। वो समिति आज से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सबसे पहले प्रथम जांच में हमने आके हमकी उपस्थिति दर्ज कराई, पंचनामा कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ताओं के कथन लिए जा रहे हैं। कथन लेने के बाद कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और जो उनके द्वारा मूल्यांकन दर्ज किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। फिर उनके ग्राम पंचायत द्वारा जो खर्च डाले गए हैं उसके रिकॉर्ड अभिलेखों को अवलोकन कर उनका मिलान किया जाएगा। इसके बाद वास्तविक स्थिति लेकर पाएगी कि क्या है। सर ये सब का प्रोसेस में आपको कितना समय लगेगा? कम से कम 7 दिन। सर एक छोटी सी बात, आपका नाम? मैं ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बीदर का GRS मनीष पटेल। जो आपको ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ग्राम वासियों के द्वारा, वो आरोप आपके लिए क्या हुआ? भाई मेरे द्वारा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा सत्य प्रमाणित करके बताएं कि भाई ये सही है, इनके द्वारा लगाए गए आरोप सभी गलत हैं, और यदि सही हैं तो ये लोग प्रूव करके बताएं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है और हम सही हैं। जैसे ग्रामवासियों ने जो कहा कि मशीनों द्वारा तालाबों खुदाई वगैरह जो मेहरबंधन मार्ग किए गए हैं, इनका कहना है कि मशीनों द्वारा किया गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मशीन के द्वारा किसने किया है, किस मशीन के खाते में पैसा गया है, ये चीज उसको भी प्रूव करें भैया। जैसे आपकी मशीन है तो आपके पास आप फ्री में चलाने देंगे क्या उस मशीन को? आपके खाते में पैसा भी दिया होगा पंचायत ने यदि मशीन के द्वारा किया है। और सर ये आरोप मत तो अपनी जगह है, एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो रोड है मलिया से लेकर जो उमरदा तक के बीच की जो कच्ची रोड है ये बन नहीं पाई है, ये इसके लिए आपने क्या प्रयास करे हैं सरकारी तहत के तहत, किस जगह से इधर पर पैसा आने की संभावना बन सकती है, क्या है क्या नहीं, तो क्या मतलब ऐसा किया जाए जिसकी वजह से ये रोड बन जाए? सर हमारे द्वारा जनपद स्तर पर फाइल जमा कर दी गई है, क्योंकि क्या है ये 2 किलोमीटर की दूरी है, इस कारण से अभी कोई हमको ये गाइडलाइन नहीं दी गई कि 2 किलोमीटर की स्वीकृति पंचायत को दी जाए। अरे अधिकारी उचित हमको स्वीकृति देते हैं तो हम बराबर पंचायत काम करेंगे। इस रोड के बनने से कितने गांव प्रभावित होते हैं और नहीं बनने से? इस रोड के बनने से बहुत ही, ये रोड बनना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत से गाँव जुड़े हुए हैं एवं गाँव के साथ साथ इसमें हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र भी जुड़ा है, इसके साथ हमारी चौकी है उमरदा वो भी जुड़ी है, पर अभी तक हमें इसकी कोई स्वीकृति नहीं मिली है, इस कारण से हम पंचायत के द्वारा नहीं बनाए। उप स्वास्थ्य केंद्र बेहतर है? नहीं, उमरदा उमरदा। स्वीकृति के लिए प्रयास किससे किए हैं आपने, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से, विधायक जी से, सांसद जी से? सर हमारे जो जनपद के मुख्य अधिकारी हैं
हमें जनपद में फाइल जमा की है बकायदा, उसके साथ में अब उन्होंने आगे बढ़ाई है, नहीं बढ़ाई वो जनपद स्तर का काम है। आपके प्रयासों में क्या लगता है ग्रामवासी किस स्तर पर आपके साथ शामिल होगी ये रोड बन जाए? नहीं, ग्रामवासी बहुत अच्छी बात है, रोड तो बनना ही चाहिए, वो तो सभी के लिए लाभदायक, मेरे लिए भी लाभदायक है। मैं इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि भाई रोड बने, क्योंकि जो आपके ऊपर आरोप लगाए वो आरोप तो अपनी जगह है सर, क्योंकि आरोप तो आरोप ही है, आरोप तो मोदी जी और राहुल गांधी जी पे भी लगते हैं, बड़ा विषय नहीं है। विषय यह है कि इनकी सुविधा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में इन लोग क्या करें कि वो सारी बातें हो जाएं, और इस चीज़ का समाधान आप कैसे करेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगाए? समाधान के लिए ये लोग प्रूफ कैसे करें कि लगे हैं, जैसे वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपने, तो वो अधिकारी जाँच दल आया है, जाँच दल उसको प्रूफ करेगा, सत्यापित करेगा, जब ही मैं दोषी पाया जाऊंगा, ये निर्दोष या मैं निर्दोष पाया जाऊंगा, जो भी है अधिकारी कर सकते हैं। इन कामों में सरपंच की कोई भूमिका है? क्यों नहीं है, बिना सरपंच कुछ काम हो सकता है? पंचायत सारे गांवों में सचिव सरपंच ग्राम की जो पूरी बॉडी है उसका पूरा योगदान। नहीं मतलब मान लीजिए कि दोष सिद्ध होते हैं तो उसका दोषी कौन रहेगा? आप सरपंच, शासन जिसको दोषी करेगा वही दोष सिद्ध होगा ना भाई? मैं कहता हूँ अच्छा मैं दोष सिद्ध नहीं है, सरपंच नहीं है, शासन मानेगा वही होगा ना। यहाँ के सरपंच कौन है? सरपंच हेमराज ठाकुर है। जैसे कि अभी हम ग्राम पंचायत से आ रहे हैं, जो नारी आपकी बनी है, नारी कार्ड हुआ है, उसकी अभी तक साफ सफाई हुई है कि नहीं ग्रामवासियों के द्वारा या आपकी सरपंच 5 साल में? साफ सफाई हम कराते हैं, हमेशा कराते हैं। अभी क्या है कि जैसे मान के चलो कोई कीचड़, जो धान लगी है, कीचड़ के ट्रैक्टर आए हैं, उनकी मिट्टी गिर के नाली में फंस गई है, और हमारे इधर कोई स्वीपर अवेलेबल नहीं है, हमको जैसे भी दूसरी पंचायत अन्य जगह का स्वीपर मिलता है, हम उसको मनीष भैया क्या हैं ग्राम पंचायत के सचिव हैं, और यहाँ पर जो आपके ग्रामवासियों के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपका जॉब कार्ड भी उनके पास है और पासबुक एकम एटीएम उनके पास है और आपके अकाउंट में लाखों से पैसे भी हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आपके इस विषय में जानकारी नहीं? आपके अकाउंट में इतना पैसा है आपको पता नहीं? कोई पता नहीं, सरकारी पैसा है। अब जैसा भी हो काम को है सरकारी की माने नहीं तो क्या आपने कोई पैसा सरकार से मांगा? आपके द्वारा किसी से मांग हुई क्या पैसों? किसी ने आप खाते में डाला है क्या? आपके परिजन ने, कोई रिश्तेदारों ने आपके खाते में पैसा डाला क्या? नहीं डाला, ये सब सरकारी पैसा आ रहा है, आपको जानकारी नहीं है, आपके खाते पासबुक भी नहीं है, एटीएम भी आपके पास नहीं है, कौन रखता है एटीएम पासबुक? कौन के नाम बताओ? कौन? मनीष भाई। ठीक, खबर भारत वर्ष के लिए बनखेड़ी से कमलेश नामदेव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।